दोस्तों हमें बॉक्स बनाना है, तो कुछ मैंने पीस कट किया है, देख सकते हो दोस्तों 9x4.6 इंच का है दो पीस, ये देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैंने और दो पीस कट किया है 12x4.6 सेंटीमीटर का, ये भी दोस्तों दो मैंने कट किया है। और उसके बाद लास्ट में दोस्तों 12 इंच इधर से है और इधर से दोस्तों 9 इंच का है, ये भी दोस्तों हमें दो पीस कट करना है। तो इससे क्या करना है दोस्तों, हमें बॉक्स टाइप का एक बनाना है कुछ इस तरीके का, ये इधर से लगेगी और दो जो मैंने लिया है ये इधर से लगेगी और इसके ऊपर में लगेगा। तो बॉक्स हमें बनाना है, लेकिन उससे पहले कलेक्शन के लिए हमें कुछ लगाना है, जैसे कि मैं ये वाला पॉलीथीन का यूज़ करूँगा, ये दोस्तों गिफ्ट जो रैप पॉलीथीन है वो है, ये ईजिली मिल जाएगा। और इसके बदले में दोस्तों आप जो हमारा अल्मोनियम फॉइल आता है उसका यूज कर सकते हो, मैं इसका यूज करूंगा क्योंकि ये सस्ते में मिल जाता है, 5 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको अंदर साइड से रहेगा तो सभी पे इसको चिपका लेना है, तो मैं जल्दी से चिपका लेता हूँ। सब पीस में दोस्तों मैं लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको लगाना है, उसी तरीके से सब में मैं लगा दूंगा, लेकिन इसमें मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको लगाना है। तो मैंने इसका एक्स्ट्रा पीस भी कट कर लिया है, तो उसी तरीके से मैं सभी को कर लेता हूँ। इसे देख सकते हैं मैंने सभी में लगा लिया है और तरीके से मैंने लगा लिया है। और जो इसका ऊपर वाला पीस है ये है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होना चाहिए, इसे हम उठा सकते हैं जैसे कि ये इस तरीके से रहेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है दोस्तों, बीच में कट लगा के इसको अलग चिपकाया है और इसको अलग, मैं दिखा देता हूँ कट किस तरीके से आपको लगाना है, किस तरीके से लगाना है मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको रख लेना है कार्डबोर्ड वगैरह को अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा कट लगा के छोड़ देना है, देख सकते हो ये फोल्डेबल बन चुका है, उसी तरीके से उसको भी कर लेना है। तो बस मैंने दिखाने के लिए किया है, तो ये हो चुका है दोस्तों इतना रेडी। तो उसके बाद हमें दोस्तों बॉक्स बना लेना है। मैंने कंप्लीट कर लिया है, कुछ इस तरीके का बन चुका है दोस्तों, देख सकते हो बाहर से कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो उसके बाद दोस्तों में चाहिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ये दोस्तों कुछ इस तरीके का है देख सकते हो। तो और ये दोस्तों 75mm का है, ये मैंने दोस्तों परचेस किया है ऑफलाइन बुक स्टोर से, 60 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ निकाल के, देख सकते हो कुछ इस तरीके का है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इसको लगाने के लिए एक होल कर लिया है देख सकते हो। तो इसे अंदर साइड से कुछ इस तरीके से हमें चिपका लेना है, ये एकदम फिक्स आ जाएगी, मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैं दोस्तों यहाँ पर चिपका लूँगा, तो मैं जल्दी से चिपका लेता हूँ। तो थोड़ी देर छोड़ देते हैं सूखने के लिए, दोस्तों ये सूख चुका है। तो उसके बाद दोस्तों आपको अगर इसके अंदर मोबाइल रह जाता है तो साउंड बाहर जो है वो ज़्यादा नहीं आएगी। 03 ऑडियो मॉड्यूल और ब्लूटूथ चिप्स का यूज करके और बैटरी लगा सकते हो, चार्जिंग मॉड्यूल वगैरह लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक बना सकते हो। मैंने काफ़ी बार उसका मतलब कनेक्शन वगैरह बंधा दिया है और यहाँ पर इमेज भी शो रहा है, तो देख लो कुछ इस तरीके से आपको करना है। और जितना भी सामान इसमें यूज होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख सकते हो इतना सारा, ये तीनों मॉड्यूल दोस्तों यूज होगा और एक बैटरी और एक स्पीकर, बस इतना ही दोस्तों। और मैं इसके बदले में क्या यूज करूंगा, क्योंकि मैं ये दोस्तों नहीं लगाने वाला हूँ, तो मैं यूज करूंगा दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि दोस्तों मैंने खुद से ही बनाया है, दिखा देता हूँ। तो ये काफ़ी मस्त वाला ब्लूटूथ स्पीकर है, उसका बेस काफ़ी मस्त है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो PVCC से ये पूरा बन के रेडी हुआ है दोस्तों, और इसमें टेसिप्टेटर लगाए जिससे कारण से इसका बेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन पे यहाँ पर शो हो रहा होगा, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो मैं इसका यूज करूँगा। तो उसके बाद दोस्तों मैंने फिर से कार्डबोर्ड लिया है, ये एक छोटा सा कार्डबोर्ड है और ये बड़ा, ये दोस्तों आपको मोबाइल के अनुसार आपको रखना है, उससे थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद दोस्तों कट कर लेना है, इसके अंदर आपका मोबाइल रहने वाला है। तो इसको दोस्तों मैं चिपका के कुछ इस तरीके से आगे फोल्ड कर दूंगा, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। दोस्तों दो तो सपोर्ट पीस भी लगा देना है पीछे, तो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ।
पाइप लिया है और उसके आगे में दोस्तों चिपका लिया है। तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस कार्डबोर्ड को दोस्तों इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चिपकाना है जिससे कि आगे पीछे मूव हो सके। तो मैं जल्दी से इसको चिपका लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने इसे छोटा कर लिया है, अब इसके ऊपर मैं दोस्तों आपको चिपका लेना है। तो मैंने लिया ये वाला प्रोजेक्टर का बॉक्स बड़ा सा। तो उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, एक और पीस लिया है, ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगेगी और उसके बाद दोस्तों ये वाला लगेगा कुछ इस तरीके से रहेगा दोस्तों। इसे हमें और भी पीछे लगाऊंगा कि इस तरीके से मूव ना हो। तो यहाँ पर एक और हमें होल करना पड़ेगा दोस्तों, तो मैं जल्दी से उसे पहले कर लेता हूँ। दोस्तों ये हो चुका है, तो इसके अंदर मैं दोनों को लगा लेता हूँ। मतलब और जो मैंने पीस लगाया था उसका यूज नहीं करूँगा, बस ये कुछ इस तरीके से मूव होगी दोस्तों। दोस्तों मैंने फाइनली इसको भी चिपका लिया है कुछ इस तरीके से। तो इसको दोस्तों हम पकड़ सकते हैं इजीली, यहाँ पर कैप है तो ये इजीली इस तरीके से खुल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब ये रेडी हो ही चुका है, तो इसका टेस्टिंग भी आपको करा के दिखा देता हूँ। बस आपको क्या करना है वो अभी समझा देता हूँ। बस आपका जो भी मोबाइल है इसके इसमें लगा लेना है। देख सकते हो मैंने और भी सपोर्ट के लिए यहाँ पर पीस लगाया था, मोबाइल उस तरफ गिर जा रही थी मैंने चेक किया। तो आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको जब रखना है तो मैंने रख दिया है, तो आगे पीछे करके आपको एडजस्ट कर लेना है कहाँ पर मतलब अच्छे से फिट आ रही है और भाई वीडियो क्वालिटी अच्छे से दिख रही। तो चलिए आप टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आगे वाला पीस को मैंने हटा दिया है क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा पीछे और करने पर ही फोकस ले रही थी, इसीलिए मैंने हटा दिया है। अब अच्छे से फोकस ले रही है और यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का पेपर चिपका लिया है। तो चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों आपने इसका टेस्टिंग देख लिया होगा, छोटा सा प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, जो फोकस है वो यहाँ पर अगर मैं मोबाइल रखता था तभी ले रही थी। तो इसलिए मैंने ये वाला पीस जो लगाया था उसे हटा के आपको बस दिखा दिया है। आपको इसे थोड़ा बड़ा बनाना है, मैंने 12 इंच रखा था, आपको कम से कम 15 इंच आपको रखना है, तो अच्छे से फोकस वगैरह हो जाएगी और वर्क भी करेगा। ऐसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।